चेयरमैन पद के भावी भाजपा प्रत्याशी विनोद वैशाली के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। मोदी नगर सभी पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और हर प्रत्याशी अपना भाग्य चुनावी समर में आजमाने उतरा है। इसी कड़ी में भाजपा ने विनोद वैशाली को अपने उम्मीदवार के तौर पर मोदी नगर नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए उतारा है। पिछले कई वर्षों से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में विनोद वैशाली अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं तथा सामाजिक कार्यों में अग्रणी है। मौजूदा वक्त में विनोद वैशाली अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन पद के रूप में अपने दावेदारी प्रस्तुत करने तथा नामांकन प्रक्रिया के बाद उन्होंने गोविंदपुरी स्थित वर्कर्स क्लब में विधि विधान से हवन पूजा कराने के उपरांत अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, सांसद सतपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन पंडित राम आश्रय शर्मा, पूर्व विधायक पंडित सुरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह तथा भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी सम्मानित व्यक्तियों ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया और विनोद वैशाली के पक्ष में बढ़ चढ़ कर चुनाव में अपना योगदान देने की अपील की। डॉक्टर सतपाल सिंह ने सभी लोगों को घर घर जाकर वोट मांगने हेतु प्रेरित किया तथा जीत का मूल मंत्र दिया। सभा के अंत में चेयरमैन पद के प्रत्याशी विनोद वैशाली ने भी अपने समर्थन में सभी लोगों से सहयोग करने की अपील की तथा एकजुट होकर सफल होने का आशीर्वाद मांगा। सांसद जी प्रत्याशी का है हमारा प्रत्याशी का है प्रत्याशी जिला प्रत्याशी को आगे बुला लीजिए। हाँ सांसद जी को भी आगे ले लो भाई प्रत्याशी है। विनोद भाई हाथ लगाओ। विनोद जी हाथ लगाओ जरा। विनोद जी हाथ लगाओ जरा। विनोद जी यहाँ देखो। माननीय सांसद जी लोकसभा बागपत क्षेत्र से हमारे इतने है कि अगर जमीन पे भगवान का रूप है तो ये है हर चीज में इतना सहयोग और ऐसी विचारधारा मैंने अपने मतलब नेताओं में तो नहीं देखी जो इनसे देखने को मिली। हमारी बहन जी कांता कर्दम जी ऐसी है कि पूरे क्षेत्र को सबको मिला के रखती है। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। हमारी विधायक जी रोकसा मंजू शिवाज जी, हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश सिंगल जी, हमारे विधायक सुदेश शर्मा जी और सत्येंद्र त्यागी जी, रामाश्रय शर्मा जी, महामंत्री जितने भी और मेरे बड़े सब हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन में मैं ऐसी पहली को देख रहा हूँ कि इतने सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्राप्त यहाँ मौजूद हूँ। मैं इसका सहारा नहीं रहूंगा और इसने मेरे पर इतना दबाव बढ़ा है कि मैं सबके ऊपर तुम्हारे घर उतर सकूं। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा कि आपकी कभी निराशा नहीं होने दो। मैं जिस सम्मान से तुमने मुझे यहाँ बैठाने की कोशिश करी है उसे कभी डिगने नहीं दूंगा। धन्यवाद।